बर्तन बर्तन वाले जो उधर फेरी में घूमते हैं ना वो आए हुए हैं भैया। स्पॉश आ जाओ बाहर, आ जाओ दिखाती हूँ। तो मम्मी अभी गई है, मम्मी बोली तुमको जो बर्तन पसंद आता है वो ले, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लेना है। तो दिखाती हूँ आपको अभी नीचे। और कभी कभी घर साइड में भी बर्तन वाले आ जाते हैं ऐसे फेरी वाले, तो अच्छा लगता है। मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करना है या फिर अगर आपको मॉल से ख़रीदना है या फिर मार्केट में जाके ख़रीदना है और ये लोग जो आते हैं बर्तन बेचने के लिए या फिर कुछ भी, तो अलग ही इन लोगों से ख़रीदने में ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा हो पाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बर्तन थे, जैसे छोटे छोटे बाउल थे और ये पतीला है आप देख रहे हैं। तो मैं ऊपर से ही सूट की, मैं नीचे नहीं गई थी क्योंकि स्पर्श ऊपर था तो उसको भी मुझे देखना था। और मम्मी वैसे बुलाई, मैं बोली नहीं आप खरीदो अगर ख़रीदना है तो। तो यहाँ पे नीचे में दो लोग हैं, वो लोग भी ले रहे थे। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि बेडशीट वाले या फिर मतलब कुछ कुछ चीज़ें आ जाते हैं बेचने के लिए, तो मम्मी कभी कभी लेती है कभी नहीं लेती है। तो इस टाइम पे आए हुए थे, अच्छे बर्तन थे, तो मम्मी बोल रही थी कि दो तीन लेती हूँ, देखती हूँ फिर। और स्पर्श यहाँ पे ना इतने देर में, मैं नीचे वीडियो थोड़ा सा क्लिप शूट करी, इतने देर में सारा पानी उसने गिरा दिया था टैप आगे वाला खोल के, जहाँ से हम प्लांट्स में पानी डालते हैं। फिर मैं उधर लग गई थी और यहाँ का मैं ज़्यादा फिर वीडियो नहीं शूट कर पाई। और सबकी अपनी रोजी रोटी होती है, कुछ लोग इस तरीके से अपने पैसे कमा के अपना घर चलाते हैं, जिसको जैसा होता है। और यहाँ पे डाला हुआ था धनिया, तो एक आंटी आती हैं जो मैं पहले के ब्लॉग्स में दिखाती हूँ, तो उन्होंने ही वॉश करके और यहाँ पे डाला था। तो मैं सोची ना थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया था, तो मैं सोची थोड़ा सा इसको मैं मिला देती हूँ ताकि अच्छी धूप थी तो सूख भी जाए। उसके बाद मुझे यहाँ से कपड़े उतारने हैं। अभी जस्ट ना मैं पापा को पोहा फ्राई करके देके आई, फ्राई मतलब ऐसे ही ना गरम कढ़ाई को गरम करके और नमक डाल के उसमें भून के तब देके आई। पापा खा रहे हैं और साथ में थोड़ा सा स्पर्श को भी तने दे दिया, स्पर्श भी खा रहा है। और आज मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, फिर मैं सोची कि अब से मैं 3 बज के ना ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। ये वाली सूट मैं शादी में डाली थी, शादी के बाद जब भाभी आई थी यहाँ पे, उसके बाद मैंने वाली सूट नहीं डाली है। उसके बाद अभी मैं डाली हूँ, लेके तो आई थी लेकिन मैं अभी तक डाल नहीं पा रही थी। अब मौसम सही हो गया है, स्वेटर पहनना इनर पहनना नहीं, तो अब ऐसा लगता है थोड़े से अच्छे अच्छे चेंज कर करके कपड़े डालो। और मैं ज़्यादातर उलन कपड़े ही लेके आई थी, मतलब ऐसे ना समर वाले कपड़े लेके नहीं आई थी। यहाँ पे छत पे से कोई देख रहा है मुझे, मतलब वो सोच रहा है कि ये क्या कर रही है, बैठ के बातें कर रही है। एक आंटी है वो देख रही थी वहाँ पे, मतलब छत पे सभी खड़े होकर देख रहे, मेरी नज़र उधर गई ना। तो बस मैं वही सोच रही हूँ ना कि मैं कुछ ऑर्डर करने के लिए स्पर्श के लिए, क्योंकि स्पर्श के मोस्टली जो पैंट हैं वो सारे मैं लेके आई हूँ, गरम वाले ही लेके आई हूँ, कॉटन वाले लेके नहीं आई हूँ। तो इसलिए मैं इनसे रात में बात करती, बोले कि अब जा रही हूँ इस टाइम यहीं बैठे बैठे ना झूले पे, क्योंकि यहाँ पे धूप है नहीं, धूप यहाँ से चली गई है। उस साइड में मम्मी ने धनिया डाला है, बाद में दिखाती हूँ, शायद मैंने दिखाया है ना आपको। तो धनिया डाला है वॉश करके, उसको सुखाना है। मैं जा रही हूँ स्पर्श के लिए पैंट वगैरह कार्ट में डालने के लिए, क्योंकि मुझे ऑर्डर करने हैं सारे। मैं सर्दी हो रही है, क्योंकि जब आई थी इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि यहाँ से एक, मतलब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ हम खड़े हैं ना तो थोड़े से आगे मैंने दिख नहीं रहा था रोड पे, ऐसी वाली सर्दी थी और भयंकर फंक था उस टाइम पे। तो मैं तो चलो मैं तो बहुत सारी अपनी शॉपिंग कर ली हूँ तो उसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन स्पर्श के लिए लेना है सोच रही हूँ, 2-3 पैंट मैं ले लूँ उसके लिए ऑर्डर कर लूँ। क्योंकि मार्केट जाना, मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही है मार्केट जाने को लेकिन हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी जाना। तो आज चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप।
और अभी आंटी देख रही थी कैमरे में, एक्चुअली उनको पता नहीं था कि वीडियोस वगैरह बन रहे हैं, उनको नहीं पता है, इसलिए वो इस तरीके से कैमरे में देखी। उसके बाद मैं इधर सामने जो छत है ना वहाँ आई हूँ, और ये जो धनिया उन्होंने डाला था वो लगभग आधा ड्राई हो चुका है, और उसके बाद उसको फिर से चला रही हूँ। थोड़ी बहुत धूप है, उससे सूख जाएगी, अगर नहीं सूखा रहेगा तो कल डाल देने पर ना कल भी सूख जाएगा। तो ये इतना सारा धनिया था, और इसको क्या होता है ना, अगर साबुत मसाले या फिर इसको हम ग्राइंड भी करवा देते हैं, घर पर भी ग्राइंड कर लेते हैं, तो अच्छा खासा मसाला बन जाएगा, काफ़ी टाइम तक ये चलेगा भी। और मैं इस टाइम पे आराम से फ्री होके बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि स्पर्श सोया हुआ था और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर आ गया था हल्का हल्का, मुझे ऐसा लग रहा था। वैसे तो आपको पता है ना, मैं कई बार बताया हूँ दिन में कभी सोता नहीं है, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो मेरे को भी सुस्ता थोड़ा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने बस बोला ना कि बाबू सो जाओ, तो वो सो गया, तो इसलिए वजह से मैं बाहर बैठी हूँ। और यहाँ पर फिर आंटी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको चाय वाय चाहिए था, तो मम्मी बोली कि मैं लेके आती हूँ, उनको दे देती हूँ पीने के लिए, और मैं भी थोड़ा सा उनसे बात ही कर रही थी। शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा थोड़ा भी अंधेरा हो गया है, स्पर्श सो गया था आज, अब भी सो के उठा है, तो उसके बाद उठा तो चिप्स के लिए, इसको ना थोड़ी थोड़ी फीवर जैसा लग रहा है, मैंने इसको भी कैप पहनाया, क्योंकि कल ना बिल्कुल स्वेटर कैप कुछ नहीं पहना था, तो आज ही देखिए अभी मैं आके बैठाई हूँ, क्योंकि इस टाइम लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी, वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि शाम हो चुकी है। देखिए मौसम कैसा है, अंधेरा अंधेरा सा हो गया, यहाँ का लाइट मैं ऑन कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से इसका स्विच है, मुझे पता ही नहीं, अभी मैं बरामदे से ऑन कर रही थी, ऑन ही नहीं हो रहा है। देखिए चोको पाई के लिए रो रहा था, चोको पाई अभी खा रहा है स्पर्श, और चिप्स दी थी इसके पहले तो चिप्स खा लिया, उसके बाद फिर भी इसके लिए रो रहा। पापा बर्गर बन जो होता है ना, स्वीट स्वीट टाइप का कुछ लगता है उसमें ना, क्रीम वगैरह रहता है, वो लेके आए हैं, तो बोले कि वो दे दो, वो भी नहीं खाना था इसे, यही खाना है, तो मैंने अभी दिया। मम्मी नीचे अभी गई हैं, और अभी वो जो आंटी आई थी वो अब भी गई हैं, शाम हो गई है। और यहाँ हम लोग काफ़ी देर से बाहर बैठे हुए थे, फिर मुझे याद आया कि मैं प्लांट्स में पानी भी दे देती हूँ। मम्मी यहाँ चेयर पे बैठी हुई थी, स्पर्श यहीं पे लेटा हुआ है, मस्ती कर रहा है, और देख रहे हैं कि अंधेरा यहाँ का क्लियर नहीं आया है, क्योंकि लाइट ऑन नहीं थी, और लाइट ऑन होने के बाद भी उतनी रोशनी नहीं होगी, क्योंकि रात का टाइम था। और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे मैं पानी दी, उसके बाद स्पर्श अभी जा रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी उसको अंदर लेके जा रही थी कि चलो अंदर, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी अभी। और यहाँ पे मम्मी किशमिश डाल रही हैं शो करने के लिए, मॉर्निंग टाइम में पापा खाते हैं, और पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, तो बस उन्हीं के लिए ये डालती हैं। आया कहाँ है पापा? अभी भाई के चिकन चिली लाने के लिए, स्पर्श खाओगे? बोलो। चिल्ली चिकन चिल्ली खाओगे? और लोटी लोटी खाओगे कि लाइच खाओगे? बोलो। लाइच स्पर्श लाइच खाएंगे और चिकन चिल्ली खाएंगे, ठीक है? अभी स्पर्श का पेपर नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं करवा रही थी ना, तो ये रॉन्ग लिख दिया, तो फिर इरेजर था नहीं, इरेजर लेके आया था लेकिन तोड़ दिया स्पर्श, तो फिर अभी वो लेके आएगा, फिर इनका होमवर्क होगा, एग्जाम होगा, है ना? एग्जाम होगा।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे भाभी के कमरे में बैठे हुए थे। काफ़ी दिन बाद ये मैं बेडरूम आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भाई बाहर से आ चुका था और यहाँ हम लोग बैठ के ना थोड़ा बहुत रील बना रहे थे। भाभी के कमरे में ही बैठे हुए थे अभी। तो उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ क्लिप भी बनाई और उसके बाद स्पर्श को भी दवाई भी खिलानी है। हमारा डिनर अभी हो चुका है और डिनर करने के बाद फिर यहाँ पर स्पर्श को थोड़ा सा ना वॉक कराता है। ऐसे कई बार ऐसा होता ना कि शाम को वो दौड़ तबीयत ठीक नहीं तो बस सीढ़ी से ही 4-5 बार चढ़ाना उतराना कर दो तो थोड़ा सा वो थक जाता है। तो उसके बाद मैं बोली कि रहने दो क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको भी अच्छा लगता है ऐसे ना मामा जी के साथ खेलने में, ऊपर नीचे करने में, बहुत उसको बहुत इंजॉय करता है। एंड उसके बाद मैं अभी रूम में आई हूँ स्पर्श को दवा खिलाने के लिए। और आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कि आपकी देवरानी साधना से हमें मिलना है, ब्लॉग्स में लेके आइए, उनकी वीडियोज़ डालिए। तो आगे ठीक है मैं कोशिश करूँगी डालने के लिए। और आप लोग ये पूछते हो क्यों नहीं आई, तो एक्चुअली वो आना चाहती थी, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। तो मैं चंडीगढ़ जाऊंगी तो वहाँ पे मैं साधना को कोशिश करूंगी बुलाने के लिए। तो अगर वो वहाँ आ जाती है तो आप लोग मिल लेना ब्लॉग्स में, और नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी उसकी वीडियोस या फिर फोटोज़ वगैरह आपके साथ शेयर करूं। स्पर्श को फाइनली मैंने दवाई खिला दिया है, वैसे तो बहुत ही वो खुश था लेकिन जब दवाई खिलाती हूँ तो बच्चों को तो कड़वा लगता ही लगता है, तो पानी लेके मुझे साथ में बैठना पड़ता है क्योंकि तुरंत खिलाने के बाद तुरंत मुझे पानी देना पड़ता है। वैसे होम्योपैथ दवा बहुत ही मज़े से खाता है, बहुत ही पहले से एक्साइटेड रहता है कि मुझे खाना है खाना है, लेकिन ये थोड़ा सा ना वो नखरा कर रहा था। इस टाइम पे स्वेटर वगैरह भी डाल दिया है मैंने क्योंकि सुबह शाम तो ठंड लगती है और उसको ठंड की वजह से ही उसको फीवर आ रहा है क्योंकि 2 दिन बिल्कुल उसने इनर वगैरह कुछ नहीं पहना था और वो लेट जा रहा है, थोड़े थोड़े देर पे ही लेट जा रहा है। तो अभी मैं दवा अभी यहाँ पर भी मैं अलमारी के ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ना ये वाला ब्रेसलेट जो मेरी दी ने दिया था, भाई की शादी के टाइम जब आई थी तभी उन्होंने दिया था लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम डाली हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बैंगल्स के साथ या फिर ऐसे भी ना इसको डाल सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन इस टाइम पे मैं इसको खोल के रख दे रही हूँ। तो चलिए इस फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आपके साथ एक अच्छे से कल ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। ये जो पाउच है मुझे गार्नियर की तरफ से आया था लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेवल के टाइम, तो स्पेशली छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ और इसमें मेरे कुछ पैसे या फिर बिंदी के पत्ते वगैरह रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।